वहीं देश भर के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश जनजीवन प्रभावित हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, असम, बिहार में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भी लोगों की मौत हो रही है। बिहार में 24 घंटों में आकाशीय बिजली से बता दें 21 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 6 लोगों की जान गई है। वही भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बिहार के सभी जिलों के लिए गुरुवार यानी 11 जुलाई के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह से ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी पिछले कई दिनों से हो रही बारिश का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां उफान पर हैं। वही IMD ने आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए देश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही 15 जुलाई तक देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वही मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें आज जो है दोपहर 4 बजे के बाद और शाम 6 बजे के बीच में मौसम काफ़ी ख़राब था और कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं जो है संज्ञान में आई हैं। इसमें अपने जनपद में अभी तक कुल 6 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। इसमें 3 जो है मुगलसराय थाना क्षेत्र के हैं, 2 व्यक्ति इसमें अलीनगर थाना क्षेत्र के हैं और 1 व्यक्ति जो है वो कंदवा थाना क्षेत्र का है। मुगलसराय में जो 3 लोगों की मृत्यु की सूचना है उसमें 1 व्यक्ति की बॉडी अभी नहीं मिली है, क्योंकि वो गंगा नदी में उस समय नाव पे था और उसकी मृत्यु के समय वो पानी में गिर गया, तो अभी उसकी बॉडी की तलाश कराई जा रही है जो है। और अलीनगर क्षेत्र में बच्चों की बात आ रही है, भाइयों की बात आ रही है, उसमें एक 12 वर्ष का बच्चा भी है जिसकी अलीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मृत्यु हुई है। इन सभी प्रकरणों में SDM और तहसीलदार सभी पीड़ित परिवारों के घर जा रहे हैं और इसमें दैवीय आपदा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए जो है प्रत्येक जनहानि पर दिया जाएगा। सर, ऐसी लोगों से अपील की जाएगी, क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है, ऐसी बिजली गिरी, मौतों की संख्या लगातार सामने आ रही है, जिला प्रशासन क्या अपील कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, इसमें हमारे यहाँ जो आपदा विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी पिछले वर्ष भी हम लोगों ने कई जगहों पर ड्राइव चलाई थी, अवेयरनेस ड्राइव चलाई है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि जब मौसम खराब हो तो उस समय खुले मैदान क्षेत्रों में ना जाएं और अगर खुले मैदान क्षेत्र में हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इसके संबंध में हम लोगों ने पिछले वर्ष भी काफी प्रचार प्रसार कराया था और लगातार जो हमारे यहाँ आपदा विशेषज्ञ हैं वो इस संबंध में प्रचार प्रसार कर